मगनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक काले रंग की बिल्ली रहती थी, जो कि बहुत ही बुखड़ और लालची थी। वे गांव वालों को बहुत ही परेशान किया करती थी। एक बार की बात है, एक दिन बिल्ली को बहुत भूख लगती है, तो वो दबे पाव से एक घर के अंदर जाती है और घर के अंदर दूध रखा देखकर बिल्ली बोलती है कि, अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरे मजे ही आ गए। आज तो दूध से पूरा का पूरा पतीला भरा हुआ है। इसे मैं अभी चुटकी में खत्म कर दूंगी। बिल्ली जरा सी देर में पूरी पतीला दूध पी जाती है, मगर फिर भी बिल्ली का पेट नहीं भरता। तभी उसे दूध की जबरदस्त खुशबू आने लगती है। ये दूध की खुशबू तो सामने के घर से आ रही, पर मुझे बड़े ही ध्यान से जाना होगा, वो भी बिल्कुल छुपके छुपके से, ताकि किसी की मुझ पर नजर ना पड़े। ऐसे बोलकर बिल्ली एक एक करके गांव के बहुत सारे घरों से दूध पी जाती है। बिल्ली की इस हरकत से गांव के लोग बहुत परेशान थे। तभी गांव में रहने वाला भीमा गांव के लोगों को इकट्ठा करके सभी से ऐसा बोलता है, अरे भाइयों, इस काली बिल्ली ने तो हम गांव वालों को बहुत ही ज्यादा दुखी कर रखा है। अरे रोज रोज हमारे घर का दूध पी जाती है। अरे भाइयों, अब तो उस बिल्ली को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी गांव में रहने वाली एक औरत मीना बोलती है कि, अरे ये कमबख्त बिल्ली आती भी तो इतने चुपके से है कि किसी को जरा भनक भी नहीं होती। अरे पहले तो कभी कभी हमारे घरों का दूध पीती थी, मगर अब घरों से दूध पीना उसका रोज का काम हो गया है। जिस भी जगह दूध छुपा कर रखो, फिर भी वो काली बिल्ली हमारे घरों से दूध ढूंढ कर पी जाती है। सही बोल रही हो मीना बहन, मगर क्या करेगी, वो बिल्ली हमारे घरों का दूध पीना बंद कर दे। उसे पकड़ने का भी बहुत कोशिश कर चुके हैं, पर वो बिल्ली इतनी चालाक है कि हर बार हम लोगों के हाथ से बच जाती है। तभी गांव का एक और आदमी महेश बोलता है कि, बीमा भाई, वो बिल्ली ऐसे हमारे हाथ लगने वाली नहीं है। उस बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, तभी हम उस बिल्ली को पकड़ सकते हैं या भगा सकते हैं। फिर तो महेश भाई, हम लोगों को गोपाल चाचा के पास जाना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव में एक वही है जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है। फिर सभी गांव वाले गोपाल चाचा के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये बिल्ली तो बहुत ही भुक्कड़ और लालची लगती है, जो रोज रोज सभी के घरों का दूध पी जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद गोपाल चाचा बोलता है कि, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगा, और देखना फिर वो बिल्ली इस गांव से कैसे भागती है। अगले दिन गोपाल चाचा गर्मा गर्म दूध को एक मटके के अंदर भरकर उसे घर के अंदर टांग देते हैं। तभी बिल्ली को दूध की खुशबू आती है। अरे आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं किसी के घर का दूध नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ जरा देखूं, तो ये मजेदार दूध की खुशबू कहाँ से आ रही। बिल्ली गोपाल चाचा के घर में घुसती है और यहाँ वहाँ देखती है, पर उसे दूध कहीं दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, दूध की खुशबू तो इसी घर के अंदर से आ रही है। तभी बिल्ली की नजर ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ती है। अच्छा,
तो ये खुशबू यहाँ से आ रही है। अरे इन लोगों को क्या लगता है कि ये दूध को मटकी में ऊपर टांग कर रखेंगे तो मैं दूध नहीं पी पाऊंगी। आप देखो मैं क्या करती हूँ। फिर बिल्ली दूध पीने के लालच में मटकी की ओर छलांग लगाने लगती है और बहुत कोशिश करने के बाद बिल्ली मटकी को पकड़ लेता है। मगर जैसे ही बिल्ली गर्मा गर्म दूध की मटकी को पकड़ती है तो उसके हाथ जल जाते हैं और गर्मा गर्म दूध की मटकी बिल्ली के साथ नीचे गिर पड़ती है और सारा गर्म दूध उस काली बिल्ली के ऊपर जा गिरती है। इसलिए बिल्ली जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, आज दूध पीने के लालच ने तो मुझे जला ही दिया। आज के बाद मैं कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। और ऐसा बोलकर बिल्ली वहाँ से भाग जाती है और इस तरह से गांव के लोगों को उस बिल्ली से छुटकारा मिल जाता है। एक बार की बात है, मोहन और शीला एक छोटे से घर में अपनी बेटी परी के साथ बड़ी हंसी खुशी से रह रहे थे। वो अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन परी कमरे में उदास बैठी थी। शीला उसे उदास देखकर उसके पास जाती है। क्या हुआ परी, तुम उदास क्यों हो? मेरे साथ घर में खेलने वाला कोई भी नहीं है, मुझे भी कोई खेलने के लिए चाहिए। तुम परेशान क्यों होती हो बेटा, मैं आज तुम्हारे पापा से बोलूंगी कि तुम्हारे ढेर सारे खिलौने ला दे। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मेरी दोस्त के पास डॉगी है और वो हमेशा उसके साथ खेलती है, मुझे भी डॉगी चाहिए माँ। शीला बड़ी परेशान हो जाती है और वो रात को मोहन को सारी बात बताती है। मोहन को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो फिर अगले दिन सबको शिमला घुमाने ले जाते हैं। वहाँ जाकर भी परी बहुत ही उदास रहती है, पर अचानक वहाँ उसे एक रोड के किनारे एक छोटा सा डॉगी दिखता है। पापा पापा, वो देखो कितना प्यारा डॉगी है, मुझे यही चाहिए, प्लीज पापा इसे अपने साथ घर ले चलो ना। ठीक है परी, तुम बस उदास मत हो, हम इसे अपने घर ले चलेंगे। परी की खुशी के लिए मोहन उस कुत्ते को घर ले आते हैं। परी बहुत खुश हो जाती है, वो पूरे रास्ते उस कुत्ते के साथ खेलती रहती है और उसके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। परी को खुश देखकर उसके माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। जब वो सब घर आ जाते हैं तो परी उसे अपने कमरे में ले जाती है। मैं तुम्हारा नाम डोडो रखूंगी और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। थोड़े दिन तो परी और डोडो बड़े ही खुशी खुशी रहते हैं, पर फिर डोडो उदास रहने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। मम्मी मम्मी देखो ना, डोडो मेरे साथ खेल ही नहीं रहा, इसको पता नहीं क्या हो गया है। लगता है तुमने इसे प्यार प्यार से ज्यादा खिला दिया है, तभी इसकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा है तो अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी माँ, पर अब इसको ठीक कर दो ना। शाम को शीला मोहन को फोन करती है और उसे डोडो की हालत के बारे में बताती है। तो मोहन आते वक्त डोडो के लिए दवाई ले आता है। दवाई देने के बाद भी डोडो की हालत में कोई सुधार नहीं आता, वो एक जगह पड़ रहता है और बड़ा ही कमजोर हो चुका होता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर दो दो को हुआ क्या है,
हम इसे खाने पीने और रहने का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, फिर भी ये दिन पे दिन और बीमारी होता जा रहा है। इसको अब डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, कहीं इसकी हालत ज्यादा खराब ना हो जाए। अगले ही सुबह मोहन ऑफिस छुट्टी लेता है और डोडो को हॉस्पिटल लेकर जाता है। परी और शीला भी डोडो के साथ ही रहते हैं। वहां जाकर जब डॉक्टर डोडो को चेक करता है तो परी भी वही खड़ी होकर उसके देखती रहती है। डोडो को आप कहां से लेकर आए हो? इसे हम शिमला से लाए थे, वहां हमने इसे देखा और मेरी बेटी ने इसे लाने की जिद की तो हम इसे अपने साथ ले आए। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये पहाड़ों की ठंड और बर्फ में रहने वाला कुत्ता है और आप इसे बिना सोचे समझे यहाँ ले आए। यही वजह है कि ये दिन ब दिन बीमार हो रहा है। ये इस शहर के गर्मी और प्रदूषण में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर सबको बड़ा ही धक्का लगता है और बाद में डोडो को वापस घर ले आते हैं। और डोडो एक कोने में लेटा होता है, उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इसलिए परी उसके पास जाकर उसके सर पर सहलाने लगती है। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ डोडो, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। परी अपने मम्मी पापा के साथ डोडो को वापस शिमला छोड़ने जाती है। वहाँ जाते ही जैसे परी गाड़ी का दरवाजा खोलती है, डोडो परी की गोद से कूद जाता है। वो खुशी से यहाँ वहाँ उछलने लगता है। डोडो की बौखने की आवाज सुनकर उसके सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं। डोडो उन्हें देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। तब परी को समझ आता है कि वो अपनी खुशी के लिए किसी बेजुबान जानवर की खुशी नहीं छीन सकती।